मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं सीआरपीसी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 357 सीआरपीसी जो विक्टिम को कंपनसेशन दिलाने के संबंध में प्रावधान करती है। विक्टिम अर्थात पीड़ित जिसके साथ कोई रेप हुआ है, एसिड अटैक हुआ है, मर्डर हुआ है, कोई और तरह की घटना घटित हुई है हीनियस ऑफेंस नेचर की, वो विक्टिम को राज्य सरकार की या अभियुक्त के हुए फाइन में से प्रतिकर दिलाए जाने की व्यवस्था धारा 357 में। इसमें 357 ए बी सी डी जो भी नए प्रोविजन इंसर्ट हुए हैं सीआरपीसी में वो मैं बतलाने जा रहा हूँ। इसमें पीड़ित प्रतिकर स्कीम इसको कहा जाता है और इसमें न्यायालय प्रतिकर देने का आदेश कर सकती है। कोर्ट के ये डिस्क्रिप्शन का भी है और लीगल प्रोविजन भी है। विक्टिम को कंपनसेशन मिलना ही चाहिए, केवल एक्यूज को सजा दिलाना ही क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसके विक्टिम के पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन हो, उसका दोबारा से उसे आर्थिक सहायता मिले, मेडिकल एक्सपेंसेस में जो पैसा लगा है वो मुलजिम से रिकवर किया जाए, ये सब व्यवस्था इसमें प्रावधान में रखी गई है। इसके पहले मैं इस आगे टॉपिक को बढ़ाऊँ, मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करें। विक्टिमोलॉजी एक नई ब्रांच है लॉ की, जिसमें ब्रांच ऑफ लॉ में क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस से संबंधित विक्टिम के बारे में, उसके पुनर्वास के बारे में, साइकोलॉजिकल उस पर असर पड़ा है, आर्थिक सहायता, मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनसेशन के रूप में दिलाए जाने संबंधी लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1973 की सीआरपीसी में ये प्रावधान जोड़ा गया है। इसके पहले कि ये प्रावधान क्यों आया, सोशल जस्टिस का ये प्रिंसिपल है। आर्टिकल 21 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन, किसी भी व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दिया गया है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इस संबंध में एक मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन का भी महत्वपूर्ण मामला हुआ था, जिसमें यह कहा गया कि कानून ऐसा हो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर आधारित हो और विक्टिम जिसके साथ ये कोई भी अपराध हीनियस नेचर का किया गया उसको भी प्रतिकर या क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए। तो ये विक्टिम कंपनसेशन की जो थ्योरी है, ये अपराध में केवल अपराधी को सजा ही न मिले बल्कि विक्टिम के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका प्रतिकर के रूप में, कंपनसेशन के रूप में, सोशल जस्टिस के रूप में उसका पुनर्वास रिहेबिलिटेशन करने के उद्देश्य से इसका उद्देश्य है। आर्टिकल 39 ए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, उसमें भी यही उदाहरणा रखी गई है कि उसे विक्टिम को भी समान न्याय की प्राप्ति हो, यही नहीं कि केवल अभियुक्त को सजा दी जाए। तो इस विक्टिम को संसाधनों के अभाव में न्याय से वंचित ना हो, उसे भी सही न्याय मिले, राइट टू जस्टिस के आधार पर ये 1973 की सीआरपीसी में धारा 353 सीआरपीसी का ये प्रोविजन जो ये बताता है कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम किस तरह से होगी, विक्टिम को कंपनसेशन कैसे मिलेगा, जुर्माना सेंटेंस का भाग अगर नहीं भी है किसी ऑफेंस में तो भी मुलजिम को कोर्ट कंपनसेशन के रूप में, प्रतिकर के रूप में कंपनसेशन दिला सकती है। और जो निर्णय होगा कोर्ट का, उसके निर्णय में फाइन होने पर भी और नहीं होने पर दोनों में ये न्यायालय का विवेक तथा विधिक प्रावधान रखा गया है कि न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों, समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए विक्टिम के साथ न्याय प्रदान करेगी। सन 2018 के अमेंडमेंट में 357 ए वगैरह सीआरपीसी में जोड़ी गई, किसी भी व्यक्ति की दैहिक जो स्वतंत्रता है वो स्वाधीनता से उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हाईवे पर कोई लूट हो गई और उस विक्टिम को उस अभियुक्त का ना तो नाम पता है, ना शक्ल याद है, मुलजिम आइडेंटिफाई नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन में खात्मा लगाने की स्थिति आ गई, पुलिस एफआईआर लगाती है, न्यायालय का मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में भी 154 भी जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि विक्टिम को कंपनसेशन न्यायालय को दिलाना चाहिए और राज्य ऐसी स्कीम बनाएगा, राज्य ऐसी स्कीम बनाने के निर्देश भी दिए गए। जब कोई भी न्यायालय केवल फाइन का दंडादेश या मृत्यु के साथ साथ फाइन का दंडादेश देता है या इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन का आदेश देता है तो न्यायालय रिलीफ के रूप में प्रोसिक्यूशन पर भी कॉस्ट लगा सकता है, अभियोजन पर
उसके अलावा कंपनसेशन कॉस्ट भी लगा सकता है विक्टिम के लिए, और कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी वो जाकर कंपनसेशन का मुकदमा बाद में डाल सकता है। और बोना फाइड यदि कोई चोरी वगैरह का मामला है, बोना फाइड कोई परचेजर है जिसने वो माल चोरी का खरीदा है, पुलिस अगर उससे रिकवर कर लेती है तो भी संपत्ति की वसूली होने पर जब्तशुदा जो प्रॉपर्टी है विक्टिम रिलीज करा लेगा। कोर्ट चाहे तो ऐसे मामलों में भी कंपनसेशन की राशि, प्रतिकर की राशि विक्टिम को दिला सकते हैं। 1973 की CRPC में ये प्रोविजन पहली बार इंसर्ट किया गया और कंपनसेशन विक्टिम को दिलाए जाने के प्रावधान रखे गए। सिविल कोर्ट में भी कंपनसेशन की अलग से विक्टिम के द्वारा मांग की जा सकती है, लेकिन अपीली न्यायालय का जब तक कोई भी डिसीजन नहीं आ जाता उसके बाद ही विक्टिम को वो कंपनसेशन की राशि कोर्ट दिलाएगा। ट्रायल कोर्ट दिला सकती है, अपीलेट कोर्ट दिला सकती है, सेशंस कोर्ट दिला सकती है, हाई कोर्ट भी कंपनसेशन की राशि किसी भी मामले की परिस्थितियों को देखते हुए लीगल प्रोविजंस के तहत विक्टिम को दिला सकती है। अब एडजस्टमेंट का जहां तक प्रश्न है, कोई भी विक्टिम दिलाई गई राशि से यदि संतुष्ट नहीं है तो क्रिमिनल कोर्ट द्वारा दिलाई गई राशि सिविल कोर्ट के द्वारा जो भी उसे दिलाई गई, मान लीजिए 50,000 क्रिमिनल कोर्ट ने दिलाई है और 1,00,000 रुपये सिविल कोर्ट दिलाती है, तो वो 50,000 उसमें एडजस्ट करते हुए 50,000 का ऑर्डर सिविल कोर्ट कर सकती है। धारा 357(3) CRPC में ये कहा है कि मजिस्ट्रेट जहाँ जुर्माना प्रावधानित नहीं है वहां भी अभियुक्त से जो भी हानि या क्षति विक्टिम ने उठाई उसे कंपनसेशन के रूप में दिला सकता है। एक रामनारायण वर्सेज स्टेट का मामला हुआ था, ये इम्पोर्टेंट केस है, वुमन एट्रोसिटीज का ये मामला था। इसमें 357(3) CRPC के तहत जुर्माना नहीं होने पर भी कंपनसेशन कोर्ट चाहे तो दिला सकती है, ऐसा होल्ड हुआ था, किया गया, ऐसा निर्धारित किया गया। धारा 357(a) CRPC कोर्ट विक्टिम को कंपनसेशन दिलाने की सिफारिश भी कर सकती है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से भी दिला सकती है। निर्भया कांड की तरह अलग से राज्य सरकारें इसके लिए फंड बनाती है, और जैसे कोई रेप है या मोब लिंचिंग का कोई मामला है, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज को भी क्वांटिटी तय करने के लिए कमेटी बनाई जा सकती है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर इस तरह की राशि तय की जा सकती है। कोर्ट को यह भी विवेक इसमें दिया गया है कि चाहे वो मुलजिम डिस्चार्ज कर दिया गया हो, एक्विटल कर दिया गया हो, मामले में खात्मा लग गया हो, तो भी विक्टिम को न्यायालय चाहे तो कंपनसेशन की राशि दिला सकती है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को वो जांच करने के आदेश देते हैं, इंटरिम कंपनसेशन के रूप में भी वो इस तरह के प्रतिकर को दिला सकते हैं। तो इस प्रकार ये 357(b), (c), (d) सब में प्रतिकर दिलाए जाने के, कोर्ट चाहे तो फाइन में से विक्टिम को कंपनसेशन दिला सकता है, गवर्नमेंट से भी एडिशनल अमाउंट दिला सकता है, मेडिकल हेल्प वगैरह के लिए जो भी पैसा लगाया गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी अस्पताल उनका मुफ्त इलाज करेंगे, पुलिस को भी इसकी तुरंत सूचना देंगे। यदि इस तरह के इलाज करने में पुलिस को कोई सूचना अस्पतालों द्वारा नहीं दी जाती है तो IPC की धारा 166(b) के अंतर्गत उन्हें भी उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। 3 इम्पॉर्टेंट मामले इसमें हुए थे, एक लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो एसिड अटैक से संबंधित था, दूसरा अंकुश शिवागी गायकवाड़ का, और तीसरा सुरेश वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इस प्रकार ये प्रतिकर का जो प्रावधान धारा 357(CRPC) में रखा गया है, ये पीड़ित प्रतिकर स्कीम के नाम से जाना जाता है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान 1973 की CRPC में रखा गया है। इसमें पीड़ितों के उपचार के लिए और उसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 326 का, 376 का खा, 376 घ तथा 376 घ का और 376 घ खा के अधीन कोई यदि अपराध हुए हैं तो इस तरह की व्यवस्था इन्होंने इसमें रखी है, जिससे पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 357 का पीड़ित प्रतिकर स्कीम के नाम से जाना जाता है। ये व्यवस्था धारा 357 के तहत CRPC में प्रतिकर देने का आदेश, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, ये कोर्ट के विवेक पर तथा विधिक प्रावधानों के तहत रखा गया है, और अभियोजन में से उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने के लिए कोर्ट जब भी कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देती है, कोई ऐसा दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है देता है उसका भाग जुर्माना भी, तब निर्णय देते समय न्यायालय आदेश देगा कि वसूल किए गए सब जुर्माने उसकी किसी भाग का एडजस्टमेंट उसमें से किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान मैंने कंपनसेशन के संबंध में, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, ये न्यायालय के शक्तियों के अंतर्गत आपको बताया। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि प्रावधान अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, और इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।